एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने तेरे हे विनंती सुन प्रभ मेरे हे विनंती सुन प्रभ मेरे दे अपनी शरण राख प्रभ दाते
चेरे ए विनती
प्रभु मेरे हे विनंती सुन प्रभु मेरे दे नाम कर अपने इस मन को कोई खोजो पाए 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 तन छूटे मन कहाँ समाए 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 इस मन को कोई खोज पाए इस मन को कोई खोज पाए इस मन को कोई खोज पाए इस मन को कोई खोज सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो न मांगे पाए सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो न मांगे पाए आज हो सूरत सुखिया सा कैसे होई है राजा राम निवास कैसे होई है राजा राम निवास कैसे होई है राजा राम कैसे होई है राजा राम निवासा इस मन को कोई खोजो पाए 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 तन छूटे मन कहाँ समाए 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 इस मन का कोई खोजो पाए इस मन को कोई खोजो सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो स
सच कर जाना इस सुख ते शिव काम कराना सो सुख हम हो सच कर जाना संकादक नारद मुन से था तिन पीतन में मन नहीं देखा तिन पीतन में मन नहीं देखा तिन पीतन तिन पीतन में मन नहीं इस मन का कोई खोजो पाई इस मन को कोई खोजो पाई इस मन का कोई खोजो पाई इस मन को कोई खोजो पाई तन छूटे मन कहाँ समाए 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 इस मन का कोई खोजो आए इस मन को कोई खोजो हुक्म बूझ समा
हुक्मे होया हुक्म पूज समाए, हुक्मे होया हुक्म पूज समाए। इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए। तन छूटे मन कहाँ समाए, तन छूटे मन कहाँ समाए, तन छूटे मन कहाँ समाए, तन छूटे मन कहाँ समाए। इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए। इस मन का कोई जाने ते ओ, एह मन लीन पे सुख दे ओ। इस मन का कोई जाने ते ओ, एह मन लीन रहे कबीरा। जियो एक अर सगल सरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। इस मन को रव रहे कबीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। इस मन को रव रहे कबीरा, इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए, इस मन को कोई खोजो पाए। तन छूटे मन कहाँ समाए, 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 तन छूटे मन कहाँ समाए। इस मन का कोई खोजो पाए, इस मन को 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 कोई खोजो। लेख ना मिट ही है सखी, जो लिखिया करतार।
देख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार जप लो लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार जप लो लेख ना मिट हे सखी, जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार, लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार हे सखी, जो लिखिया करतार करते हाथ वडियाइया विचार, करते हाथ वडियाइया पूजो गुर विचार, लिखिया फेर ना सकी है, लिखिया फेर ना सकी है, जो पावी त्यो सार, जो पावी त्यो सार, लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार जप लो लिखिया करतार। नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मन मुख फूले पच मुए, मन मुख फूले पच मुए, उबरे गुर विचार, उबरे गुर विचार, लेख ना मिट ही हे सखी, जो लिखिया करतार जप लो लेख ना मिट हे सखी, जो लिखिया करतार
लेख ना मिटही हे सखी। जो लिखिया करतार जैसी कलम मुड़ी है मस्तक तैसी जी अड़े पास। कीर्तन का विषय है कर्मा का फल। एक ऐसी अगमी कलम नाल तेरे कीते हुए कर्मा अनुसार तेरे मस्तक ते लेख लिख दिते गए ने, ना उन्होंने कोई पढ़ सकता है, ना समझ सकता है, ना कोई उन्होंने बदल सकता है। लेख ना मिट ही हे सखी। जो लिखिया करतार जपो जी लेख ना मिट जो लिखिया करतार। एक बारी सारे मिलके जपियो जी लेख ना मिटही हे सखी। जो लिखिया करतार जप लो लेख ना मिटही हे सखी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी एक एक पंक्ति एक मजमून है, एक विषय है। सत्संगी कर्मा का फल बहुत गुंझलदार सवाल है। कर्मा दे हरेक धर्म दे अपने अपने ख्याल ने कर्मा प्रति, पर जो मैं तुहानू सुनावांगा गुरमत दे कर्मा प्रति की ख्याल ने आप जी बाणी विचों सरवण करियो। गुरु ग्रंथ साहिब दी जदों कर्मा दी गल करदे ने ते ओ की कहंदे ने, ओ कहंदे ए शरीर जमीन है, इस जमीन विच जो बीजेगा तू ओ ही वटेगा। फिर सुनिया जी, ये शरीर एक जमीन है, जो बीजेगा ओ ही वटेगा। खेत शरीर जो बीजिए अंत खलोताया। फिर इंद कह लेंगे जे दुख ने कलेश ने विपता है जरूर बीजा गया सी। जे जीवन विच कलेश आ गया है ना, जरूर किसे ले तुम ही कलेश खड़ा कीता होना है, पलट के तेरी चोली आया है। कर्मा का फल। जे जीवन विच दुख आ गए ने जरूर किसे नू दुख दिता होगा, पलट के तेरी चोली आया है। जे खुशियां आ गई ने ना जरूर खुशियां बंडिया होनिया ने, पलट के तेरी चोली आई ने। क्यों जी? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे दित्ता लईए अपना अण दित्ता किछ हाथ ना आवे। दित्ता लईए अपना अण दित्ता किछ हाथ ना आवे। बीजे असी ताई तेनू वढ़ना पिया। भाई गुरुदास जी ने एक बड़ी प्यारी दी उदाहरण दित्ती कर्मा की गल करते हैं। वो एक प्रचलित जी कहानी लेंदे ने। प्रचलित कहानियां तां ले जांदियां ने क्योंकि उस सानू तुहानू आंदियां हुंदियां ने, जदों गल हुंदी है ते गल छेती समझ आ जाती है। सुनियो जी श्रद्धा नाल भाई गुरुदास जी की प्यारे दे बोल कर्मा प्रति वह किवें समझाते हैं। अंदर सुबाद उदासने
मथे वाल द्रौपदी आंदी। द्रौपदी नूं केसां तों पकड़ के परे दरबार विच खिच के लै आता है। दूतां नूं फुरमाया नंगी करो पंचाली बांदी। पंजे पांडव वेख दे औखड रुद्दी मार जमानी। पंज पांडव वेख रहे ने जिन्हां दी कारवाली मुसीबत विच फसी हुई है। अखी मीट ध्यान तर हा कृष्ण करे बिल लांदी। कपड़ कोटि उसारियन थके दूत ना पार विशांदी। हाथ मरोड़न सिर तुनन पछो तान करन जय जांदी। कर आई ठाकुर मिले पैज रहे बोले शर्मांदी। घर आई ठाकुर मिले। कौन मिले? कृष्ण जी मिले ने। ते वो पुछदे ने कहंदे इज्जत रह गई पैज रह गई। घर आई ठाकुर मिले पैज रहे बोले शर्मांदी। शर्मांदी हुई बोलदी है कहंदी रह गई। फिर वो कहंदी पैज ते रह गई है पर इज्जत खराब भी बहुत हुई है। भरी सभा दे विच कोई इस्त्री नूं केसां तों पकड़ के घसीट के ले जावे थोड़ी नरादरी है। इज्जत ते तुसां रख ली तुसीं बेइज्जती भी बड़ी कराई है। कृष्ण जी कहंदे ने बेटी सुन मेरी गल, ना मैं कराई है तेरी बेइज्जती ते ना मैं रखी है तेरी इज्जत। ए तेरे अपने कीते हुए चंगे ते मंदे कर्मां दा फल है। तेरे अपने चंगे मंदे कीतां दा काम है। कहण लगी केड़े माड़े चंगे कर्म? कृष्ण जी फिर याद करांदे ने कहंदे बेटी याद कर, तुसां बनाया रंग महल, उहदा महूर्त कीता, तुसीं सारे रिश्तेदारां नूं सद्या ते विच पांडव भी आए। इन्हां ने रंग महल बनाया सी जो हुण भी खंडरात रूप विच देखिया जा सकता है। इंडिया दे विच बहुत सारियां ऐसियां इमारतां ने जिन्हां नूं असीं कहिंदे आं भूल भुलैया। बंदा अंदर जा के भुल जांदा है। इन्हां उहदा नाम रखिया रंग महल। जो दिसदा सी वह है नहीं सी, जो है सी वह दिसदा नहीं सी। कुछ इस तरह का सी, एक कारीगर की कला सी। जो दरवाजा सी वह दीवार सी, दीवार दरवाजा सी। जेड़ा रस्ता सी वह डूंगी खाई सी, ते जेड़ी डूंगी खाई वह रस्ता सी। जदों पांडव आए ना सज तज के महूर्त ते आंधे दीवार विच बजे ते दरबान उन्हां नूं शर्मिंदा करदा है कहिंदा इधर नूं चलो। जदों वह रस्ते ते तुरन लगे वह डूंगी खाई विच डिग पए। डूंगी खाई विचों निकले ने सामने पलंग विछे होए ने। जदों पलंगां ते बैठन लगे वह ते डूंगे टोए सन, डूंगियां टोयां विच डिग पए। ते कृष्ण जी याद कराते ने कहिंदे बेटी याद कर, इस जवान दे नाल इस शरीर रूपी जमीन विच तू एक माड़ा फल बीज लिया सी। तू सामने चवारे ते खलोती हस रही सी ते ताना उना नू मार रही सी वे अन्या दे अन्ने ही रहे ना, उना दा प्यो अन्ना सी। हुण सारे रिश्तेदार आए हुण एडे लोग होण ते इज्जतदार बंदे होण ते ओह विच ताना मार दी कहिंदी अन्या दे अन्ने ही रहे ना। कृष्ण जी याद करांदे ने कहिंदे जे अज तेरी नरादरी होई है ना,
ये तेरा अपना विद्या होया माड़ा कर्मा दा फल सी जेड़ा उग पिया तेरी बेइज्जती हो गई। जेड़ी तेरी रही है इज्जत वह भी सुन ले, वो एक तेरा चंगा विद्या होया फल सी। केड़ा केंदे एक दिन तू नदी दे किनारे ते जा रही सी, ये मैं तुहानू बाणी च सुना रहा हाँ, पंक्ति भी मैं तुहानू सुनावांगा, तुहानू इंज ना लगे भी कित अत कथनी है। एक दिन तू नदी दे किनारे जा रही सी, तू कहता कदी सियालां दी रुत है, आ सामने साधु नंगा बैठा है, उहदे कोलों कपड़ा कोई नहीं, ते तू अपनी साड़ी नालों ना कुछ लीर पाड़ के उहनू दे दी। तू फिर की देखिया, इन्ने कपड़े नाल सरिया नहीं, फिर लीर पाड़ के दित्ती, फिर नहीं सरिया, फिर तू की कीता, तन ढकण जोगा कपड़ा रख लिया, बाकी सारी साड़ी उहनू दे दित्ती। बेटी अज जेरी तेरी इज्जत रही है ना, ओ नंगे साधु नू जो इस हाथ नाल चंगा बीज बीजे ऐसी लीरां दित्तियां सी ना, उन्हां तेरी इज्जत ते खराब कीती, पर साड़ियां ना मुकियां। बाणी दी पंक्ति, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसुरै, तां ते सभा मद वहे बसन परवाह दी। कहिंदे ओ जिहड़ियां द्रौपदी ने लीरां दित्तियां सी ना, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसुरै, तां ते सभा मद वहे बसन परवाह दी। जिहड़ियां द्रौपदी ने लीरां दित्तियां सी जदों नरादरी होण लगी, चंगा बीजिया होया बीज उग पिया, इज्जत रह गई। हां सतसंगी, जिओ जे कर्म करेगा ओहो जे फल बीजेगा, ओहो जे बढ़ेगा। बाबा फरीद जी ने तो सीधे शब्दों में कह दिता, उन्होंने बाणी ठेठ पंजाबी विच है, वो की कहते ने, लोड़े दाख बजोरिया किकर बीजे जट, हंडे उन कताएंदा पैंदा लोड़े पट। किकरां दे बीज बीजेगा उन्हानू अंगूर नहीं लगन लगे, कंडे ही लगन गे। कपाह बीजेगा ते रेशम नहीं लगेगी। सच्ची सतसंगी, कदी किसान वल देखो, वो जदों बीजन वास्ते जांदा है ते एक एक दाने नू टोंदा है, वो कहिंदा है बीजने ने फिर उगने भी ने ते फिर इन्हां नू बढ़ना भी है। फिर वो जिहड़ा बीज है ना, एक बोरी ते पा के सिर ते रख के लै जांदा है, ते जदों बढ़ के लियांदा है फिर ते गड्डियां ते ट्रालियां ट्रकां ते लद लद के लियांदा है। रब जी की मर्यादा है, एक बीज बीजेगा कई बीज लगते ने, किते इन्ने माड़े काम ना कर लई, इन्ना माड़ा कर्मा का बीज ना बीजी, बढ़न लगे तेनू रोना पवे, इन्ने माड़े काम ना कर लई, इन्ना माड़ा बीज ना बीज लई कि चुकन लगे तेनू रोना पवे। दद्दे दोष ना देऊं किसे, दोष करम अपने आ। दद्दे दोष ना देऊं किसे, दोष करम अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना बीजे अवर्गना,
ददे दोष ना देओ किसे दोष करम्मा अपने आ ददे दोष ना देओ किसे दोष करम्मा अपने आ कला जिन छोटी धरती दी दिन रंग किया तिस दा दिया सब नीलिया करमी करमी हुक्मों पेया जो मैं किया सो मैं पाया दे दोष ना देओ किसे दोष करूंगा अपने आ सिमरो दे दोष ना देओ किसे दोष करूंगा अपने आ जो मैं किया सो मैं पाया दे दोष ना देओ किसे दोष करूंगा अपने आ दे दोष ना देओ किसे दोष करूंगा अपने आ लेख ना मिटे सखी जो लिखिया करतार जप लो लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार कर्मां दी अगली बात सुने कुछ दुख सुख साढ़े पूर्वले कर्मां दे हुंदे ने बाणी पूर्वले कर्मां नूं मन्नदी है मैं तुहानूं पंक्ति महाराज जी दी बाणी विचों सुणावां सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जानी दिन दाते दी एक शब्द दी एक पंक्ति होर सुनेंदी पूर्व लिखे का लिखिया पाईए दुख सुख प्रभ देवन हार कई दुख ते सुख पूर्वले कर्मां दे भी हुंदे ने पूर्वले कर्म की हुंदे ने जेड़े पहला कीते चाहे एक घंटा होवे चाहे एक महीना होवे चाहे एक साल होवे चाहे एक जन्म होवे ते चाहे कई जन्म होण इन्हां नूं कहिंदे ने पूर्वले कर्म बस असूल धरती वाला ही लागू हुंदा है जो महाराज समझांदे ने कहिंदे जिवें आपां बीज बीज देना कई बूटियां नूं फल महीने बाद लगन लग पैंदे ने कई बूटे फल फुल छे महीने बाद दिंदे ने कई ऐसे ने जिहड़े साल बाद भी दिंदे ने बिल्कुल इसे तरह सुनिया गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ज्ञान भरपूर बात कई कर्मां दा फल सानू उसे वेले मिल जांदा है कई कर्मां दा फल
ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈ, ਕੈਸੀ ਡੂੰਘੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗੇ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸ ਕੀਆ ਬਣ ਜਾਰੀਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਰ ਮੋਲਤ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਮੋਲਤ ਕਰ ਦੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਫਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ 50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਏ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ 100 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 100 ਜਨਮ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਫਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਲਿਵ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਏ 108 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਗਾ ਤੀਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਢਾ ਕੀੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਜਿਹੜਾ 108 ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਖ ਨਾ ਮੀਟੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜਪ ਲਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੀਟੇ।
लेख ना मिटगी हे सखी जो लिखिया करतार सिमरो लेख ना मिटगी हे सखी जो लिखिया करतार लिखिया फिर न सकिए जो पावी त्यों सा प्रकरण ते मेरा लंबेरा है पर समय की समाप्ति वालों जा रहे है कीर्तन दा तत् जिवें मैं आप जी नूं दस्सिया हरेक धर्म दे कर्मां प्रति अपने अपने ख्याल है ते हरेक विद्वान दे भी अपने ख्याल तुसीं आखोगे भी जे लेख ही नहीं मिटने फिर सानू गुरद्वारे आन का की फायदा फिर सानू नितनेम करन का की फायदा फिर सानू बाणी पढ़न का की फायदा जे लेख ही नहीं मिलने मिटने। भगत त्रिलोचन जी गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने वह भी इस तरह ही कहते हैं वो कहते ने पूर्व लोग किरत कर्म ना मिटेरी कर गए तां चे मोहे जपियले राम चे नामक बदत त्रिलोचन राम जी मैं ते राम नाम जपदा ही तां है भी मेरे कीते माड़े काम मिट जाण जे मिटने ते राम राम करन दा की फायदा है। हां सतसंगी हो कीते हुए कर्मां दा फल ते तैनू भुगतना ही पैना है गुरु दी नेड़ता दा ए फल तैनू मिल जाएगा तेरी अवस्था इन्नी उची हो जाएगी कि दुख भी तेनू दुख नहीं महसूस होणगे। फिर सुने दी कीते हुए कर्मां दा फल मिलना ही है गुरु दी नेड़ता दी ये बख्शिश होएगी तेनू दुख भी दुख महसूस नहीं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Guruji Sadam
जय गुरु जी की। Thank you.
जय शिव।